वेलकम हियर, दिस इज राधिका देशपांडेज हैंड राइटिंग क्लास। प्यारे बच्चों, अगर आपकी अक्षर खराब है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल द्वारा आपको हैंड राइटिंग के नए नए टिप्स दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो बच्चों, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी अक्षर की जो साइज होती है वो फिक्स कीजिए। अगर आपके अक्षरों की साइज है 1/2, साइज को दो भागों में डिवाइड किया है, 2 equal parts में डिवाइड किया है। अब हमें करना क्या है, तो हमें अगर अक्षर अ लिखना है तो जनरली आप हमें अब इस तरह से नहीं लिखना है। अब बहुत ही सुंदर तरीके से अ आ ई ई ये अक्षर कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन के थोड़ा सा नीचे, पहली लाइन के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर किया हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आपको एक ऐसा हाफ सर्कल लेना है जो बहुत ही डीप है, और आपने जहाँ से शुरुआत की है, जिस पॉइंट से, जिस लेवल से शुरुआत की है, उसी लेवल पे आके आप रुक जाइए, जैसे कि यहाँ। अब आगे क्या करना है, तो थोड़ा सा बड़ा साइज का सर्कल, हाफ सर्कल यहाँ से निकालना है। देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ तक फिर से हाफ सर्कल किया। अब देखिए, दोनों हाफ सर्कल दोनों साइड से, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से एक लेवल में होने चाहिए। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन नंबर 2 तक। यहाँ से हमने क्या किया, इस सर्कल को हमने स्ट्रेट 45 degree में हमने लाइन नंबर 2 तक सीधा खींचा है। अब हम जनरली क्या करते हैं कि यहाँ से बीच में से लाइन खींचते हैं, कनेक्टर जो होता है, तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर ये सेकेंड लाइन पे आपको इस तरह से थोड़ा सा चंद्रकोर के जैसा आकार करना है, स्लाइड कर्व। अब इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत लंबा मत कीजिए, बहुत ऐसा डीप मत कीजिए, सीधा भी नहीं कीजिए, आपको इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है। फिर क्या करो बच्चों, आपको ऐसे हाथ ऊपर लेके जाके नहीं लाइन करनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाथ उठाएंगे, लिफ्ट योर हैंड, आपको हाथ उठाकर इस तरह से सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर इसके ऊपर कवरिंग लाइन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ग्राफ बुक है तो हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्राफ बुक की एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने यहाँ इस स्क्वायर को इस तरह से डिवाइड कर लिया है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ इस फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में फर्स्ट लाइन के नीचे से एक हाफ सर्कल किया, फिर हमने दूसरी लाइन में एक हाफ सर्कल किया, और फिर इसे यहाँ तक लेके आए। फिर यहाँ पर हमें इस ग्राफिक्स की मदद होती है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लाइन, और फिर हाथ उठाइए और सीधी लाइन कीजिए। इसी तरह हम पैरेलल लाइन देके इसकी आग की मात्रा भी कर सकते हैं। देखिए, लाइन के नीचे से एक आधा गोल किया, फिर से आधा गोल किया, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, दोनों साइड में लेवल लीजिए, यहाँ से जाइए आगे, स्ट्रेट लाइन कीजिए, और वो 45 डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ हम इधर जा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर एक ऐसा कर्व किया है, स्लाइड कर्व, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, फिर यहाँ हाथ उठाकर एक वर्टिकल लाइन कीजिए, और फिर ये दूसरी वर्टिकल लाइन, ये पैरेलल लाइन होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, और फिर अपना हाथ उठाइए, और फिर वर्टिकल कवरिंग लाइन कीजिए हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ ग्राफिक्स में एक बार देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल 2-3 स्ट्रोक्स इसके हैं। इसमें एक हाफ सर्कल जो डीप है, दूसरा हाफ सर्कल जो डीप, यहाँ से हम आ गए स्ट्रेट, यहाँ इस लेवल से स्टार्ट किया, यहाँ खत्म किया, इस लेवल से स्टार्ट किया, यहाँ खत्म किया, फिर हमने यहाँ किया एक कर्व, देखिए ये कर्व कहाँ जा रहा है, और फिर ये वर्टिकल लाइन, और ये फिर दूसरी वर्टिकल लाइन, ये हो गई आ की मात्रा, या हमारे हिंदी के वर्णमाला का जो स्वर है आ,
हिंदी वर्णमाला के स्वर और आ। तो इस तरह से हम अपनी हैंडराइटिंग को बहुत ही सुंदर कर सकते हैं। लेकिन अगले वीडियोस देखने के लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑल करना है, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ।